नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो है, जो अभी वॉइस में एक नया चेक इम्प्लीमेंट किया गया है एनएमजी वैगन्स को लेकर, उस पर आधारित है। अभी जिस प्रकार हम आईआर वैगन मास्टर से, जितने भी हमारे आईआर के वैगन्स थे, फिर आर्मी वाले और प्राइवेट वैगन्स को हमने चेक लगा दिया है सिस्टम में, कि वो वैगन जो हमारे प्योर वैगन मास्टर में, इंडियन रेलवे प्योर वैगन मास्टर में जो भी वैगन होगा, हमारा वॉइस यूजर उसी वैगन को यूज़ कर पाएगा। अपनी तरफ से कोई भी नया वैगन वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ साथ जो हमारे फ्रेट के वैगन्स थे, जिनकी बीपीसीज हमारे पास एफएमएम के थ्रू आती थी, लेकिन सीएमएम के थ्रू अभी तक हमारा कोई इंटीग्रेशन नहीं था सीएमएम के साथ, जिसकी वजह से एनएमजी के जितने भी रेक्स हम एग्जामिनेशन के लिए प्लेस करते थे, उनकी बीपीसी हमारा वॉइस यूजर मैनुअली सिस्टम में इनपुट करता था, जिसको कि अभी हमने कम्प्लीटली कंप्यूटराइज उसको भी कर दिया है। और जितने भी वैगन मास्टर में, प्योर वैगन मास्टर में जो भी हमारे एनएमजी के वैगन्स होंगे, उन पे अभी कोई भी चेक नहीं है कि वो हमारे 11 डिजिट के हैं या उनमें कोई अल्फा या फिर न्यूमेरिकल नंबर भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो 5 डिजिट के वैगन है तो 5 डिजिट के वैगन्स ही रहेंगे एनएमजीएचएस। और अगर वो किसी अल्फ़ाबेट के साथ, जैसे एक्स के साथ है, एक्स जीरो समथिंग नंबर जो भी होगा, वो उसी हिसाब से एक्सेप्ट किया जाएगा। और उसकी जो बीपीसी है, जब हम किसी भी वैगन रेक को प्लेस करेंगे एग्जामिनेशन के लिए, वो रेक हमारा प्लेस हो जाएगा सिस्टम में हमारे वॉइस के थ्रू डायरेक्ट एफएम के, जो भी अपना बैकएंड का इंटीग्रेशन है वो नहीं ज़्यादा बता पाऊंगा आपको, लेकिन वो सीएमएम के पास, जो हमारा सीएमएम यूज़र जैसे ही उसका बीपीसी इशू करेगा, तो वो बीपीसी हमें मिल जाएगी हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू। और वो जो बीपीसी हमारे पास वापस सिस्टम में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगी जैसे ही हम रेक को रिलीज़ करेंगे। अगर किसी कारणवश वो बीपीसी पॉपुलेट नहीं हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग जिस प्रकार हम पहले वॉइस वाला सिस्टम अपनाते थे, वही सिस्टम हमारा अभी भी कंटिन्यू रहेगा। तो जैसे मैं अभी आपको, जैसे नॉर्मली एक रेक के ऊपर कि किस प्रकार के इश्यूज आपको आएंगे और उनके रिगार्डिंग आपको एनएमजी के साथ, जब आप टाइप वैगन को, रेक को प्लेस करेंगे, तो क्या इशू आ सकते हैं, वैगन्स मिसमैच होंगे, तो आपको किस तरीके से कार्य करना है और उस इश्यूज को कैसे रिजोल्व करना है, वो मैं दिखा देता हूँ। अब जर्नल क्वेरी से या डिविजनल क्वेरी से या फिर स्टेशन से लॉगिन कर सकते हैं। मैं जर्नल से, डिविजन से लॉगिन कर लेता हूँ, एमएएस मद्रास डिविजन लॉगिन कर लेता हूँ मैं। ये मैं अभी ऑनलाइन पे ही हूँ। अभी वहाँ पे एक इशू आया था, जिस इशू को मैं रिजोल्व करके दिखा रहा हूँ कि वो इशू कैसे रिजोल्व होगा। अभी मैं सबसे पहले कॉन्फ्रेंस सेट में जाके एक रेक निकाल लेता हूँ कि कोई ना कोई वहाँ पे कोई भी हो रहा हो, जैसे मद्रास से अर्जेंट होने वाला एक रेक है, मैं उस रेक को देख लेता हूँ। इस प्रकार आप सभी वैगन्स का देख सकते हैं, सभी रेक्स का देख सकते हैं कि कौन से रेक में कहाँ पे लोडिंग हो रही है, कहाँ पे लोडिंग नहीं हुई है, क्या उनका पीपीसी मैच हुआ है। इसमें लोड नेम एनएमजी सीजीएस, एक देखो ये वाला एक रेक है, ये एनकेपीपी अराइवल स्टेट में है। मैं इस रेक को खोल कर देखता हूँ। देखिए, अब आपके सामने मैं इस रेक की जो कंसिस्ट है ना, जो हमने रेक को प्लेस किया था एग्जामिनेशन के लिए, ये नॉर्मल जो हमारे जितने भी फ्रेट के रेक प्लेस होते थे, सेम प्रोसेस वही रहेगा। बस बीपीसी या पहले तक, जब तक हमारा पहले जो खुद मैनुअली इनपुट कर पाता था, अब मैनुअल इनपुट नहीं कर पाएगा। बीपीसी जैसे नॉर्मल ट्रेन्स हमारे फ्रेट ट्रेन्स की आती थी, ऐसे ही ऑटोमेटिकली एफएमए के थ्रू हमारे पास आएगी। सिस्टम ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करेगा उसको, आप उसमें मैनुअल इंटरवेंशन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी कारणवश सिस्टम फेलियर हो गया, लाइट नहीं है, या गलत एफएम यूजर से कोई गलती हो गई, या हमारे वॉइस यूजर से कोई गलती हो गई, बाई मिस्टेक हो जाता है, तो उस इन सभी कंडीशंस में आप अपने हायर अथॉरिटीज़ को इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे। देन आपके डिवीजन लेवल पे उस रेक में मैनुअल बीपीसी इनपुट के लिए ओसीसी को मैसेज किया जाएगा, जो सेंट्रल ओसीसी हमारा क्रिस का हेडक्वार्टर में है, क्रिस में, उसको मैसेज किया जाएगा। और उस मैसेज को फिर सीओ फॉइस ऑफिस से परमिशन लेके, वो भी विदाउट परमिशन, ओसीसी किसी भी रेक में बीपीसी इनपुट नहीं कर सकता। वो उनको चेक करते हैं कि जेन्युइन इशू था या फिर किसका फॉल्ट है, या इसमें कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ देखी जाएंगी। देन वो इट इज़ पॉसिबल है कि वो सिस्टम में अपडेट होगा, राइट। अभी आपके सामने मैं जिस रेक को दिखा पा रहा हूँ, इसका रेक आईडी है MDU 21072416752। ये रेक हमारा फॉइस में, फॉइस के थ्रू एफएम को प्लेस किया गया था फॉर अपना वैगन एग्जामिनेशन के लिए। फिर एफएमएम के हमारे पास वैगन सर्विस दिखाएगा, बिकॉज एफएमएम का बैकएंड पे सीएम से इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट सीएम के साथ नहीं है। एफएमएम पे डाटा जाएगा, एफएमएम सीएम से डाटा लेगा, हमें प्रोवाइड करेगा, प्रोसेस वही फॉलो होगा। अभी आप सबसे पहला वैगन देख रहे होंगे, वैगन नंबर तो मैच कर रहे हैं 994233, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये वैगन मिसमैच है, बिकॉज इसमें जो एक्चुअल वैगन है, उस वैगन के सामने एक्स भी लगा हुआ है, इसीलिए इन सबका कलर ऑरेंज आ रहा है। अदरवाइज इनका कलर अगर मैच होता तो ब्लू होता,
ये ब्लू कलर का वैगन होता, अभी ब्लू कलर का वैगन नहीं है, मतलब अभी ऑरेंज आ रहे हैं, सारे वैगन मिसमैच शो कर रहे हैं। इधर जो डिजिट्स थी उनका आगे एक्स नहीं लगा हुआ है, इधर जो हमें बीपीसी में वैगन मिला है उसके सामने एक्स लगा हुआ है, और प्योर वैगन मास्टर में यही वैगन अपडेटेड होगा। इस चीज़ को चेक करने के लिए कि कई बार क्या होता है ना कि आपको दिखा रहा है कि मिसमैच है, वो हो सकता है कि वो वैगन प्योर वैगन मास्टर में ना हो, ये भी हो सकता है। तो उसको आप अपने सीएमएम के थ्रू बात करके एफएमएम में अपडेट कराएंगे, वैगन को एंट्री करवाएंगे, उसकी फ़ोटो वगैरह जो भी प्रोसेस होगा आपका वहाँ पर लोकल की फ़ोटो वगैरह सीएमएम टीम को सेंड कर दिया, वो उसको सिस्टम में एंटर कर देंगे, सिस्टम में एंटर हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हमारे फॉइस में अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक फॉइस में अपडेट होने के बाद आप उस वैगन को यूज़ कर पाएंगे। मैं अभी इस वैगन को देखो कॉपी कर लेता हूँ, मैं इस वैगन को दिखाता हूँ आपको कि मैं इस वैगन को कैसे किस प्रकार चेक कर सकता हूँ। मैं ऑपरेशनल कंट्रोल में जाऊँगा, हमारा फॉइस एफएमएम इंटीग्रेशन का एक टास्क है, इसमें देखो हमारे पास प्योर वैगन मास्टर का डाटा है, इस पर क्लिक किया, ओनिंग रेलवे वैगन टाइप सीरीज डालने के साथ आप डाल सकते हैं, लेकिन फील्ड फ्री है आपका, आप डायरेक्ट वैगन नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने वैगन नंबर डाला, सबमिट किया, मैं इसको इस एक्स हटा देता हूँ, है ना, सबमिट किया, इनवैलिड सेशन आ गया। इसको हम दोबारा लॉग आउट करके लॉगिन कर लेते हैं, काफ़ी टाइम से लॉगिन छूट गया था इसीलिए उसने इसको इनवैलिड कर दिया, है ना। 2XW58 सबमिट किया, वो इस सीरीज से स्टार्ट होने वैगन को दिखा रहा है मुझे कि ये वैगन है। देखो सेंटर रेलवे का वैगन है, NMZ टाइप है, और ये उसका नंबर है, राइट। अभी इससे पहले जब मैं वैगन को देख पा रहा था कि वो मेरा, अभी देख पा रहे हैं ना कि जैसे ये वाला जो वैगन है हमारा, ये एक्स लगा के नंबर है। हम कॉन्फ्रेंस सेट में जाके NKP लोकेशन पे वो रेक था, ये देखिए इसका हम अगेन कंसिस्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे X99423 सेंटर रेलवे का NMZ के नाम से पड़ा हुआ वैगन। अब बाकी सब चीज़ मैच हो रही है, ओनली रेलवे मैच हो गया वैगन टाइप, लेकिन वैगन नंबर में एक्स लगा हुआ है आगे, इसलिए वैगन इसको मिसमैच वैगन बता रहा है, और ये रेक डिपार्चर नहीं हो पाएगा जब तक सभी वैगन जो हमारी फॉइस कंसिस्ट हमने जो FMM को दी थी, जो FMM से भी कंसिस्ट जो आई है एज पर BBC, उससे मैच नहीं होगा हमारा रेक। अभी हमारे फॉइस यूजर को क्या करना है कि इन सभी वैगन को डिटैच करना है, इनकी जगह पे एक्स वाले जो वैगन है इनको अटैच करना है। आप इसको कैसे अटैच करेंगे, आपके पास वो फिजिकली वैगन होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप उनका डुप्लीकेट बना सकते हैं जैसे नॉर्मली हम फ्रेट वाले वैगन में करते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है कि अब ये जो वैगन जहाँ जहाँ जिस लोकेशन पर शो कर रहे होंगे वहाँ से कटआउट कराने हैं और अपने यहाँ कट इन करने हैं, देन ही आपका रेक डिपार्चर हो पाएगा, अदरवाइज आपका रेक डिपार्चर नहीं हो पाएगा। कभी ये वाले वैगन हो सकता है कि नॉर्मली कट इन स्टेट में पड़े हो, कटआउट स्टेट में पड़े हो तो आपको उनको नॉर्मली कट इन करेंगे तो कट इन हो जाएंगे। जैसे अभी यही वाला वैगन जो था, फर्स्ट वाला वैगन, इसका जो स्टेटस था प्योर वैगन मास्टर में जाके अगर मैं चेक करता हूँ, ये वैगन हमारा नॉर्मली जो भी चेक किया था उसमें किसी भी लोकेशन पे शो नहीं कर रहा था। देखिए यूज़ है, इन यूज़ है, लेकिन किसी भी स्टेशन पे कोई स्टेटस नहीं आ रहा, ब्लैंक है। अगर मेरा मद्रास यूजर, मद्रास का जो यूज़र है, वो इस वैगन को अपने यहाँ पे सीधा कट इन करने की कोशिश करेगा तो उसको उसके पास कट इन हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ उस यूज़र को इसको कट इन करना है, अपने रेक में लगाना है और रेक को डिपार्चर करना है। जिन जिन वैगन्स को लेके ऐसा इशू हो, आप उस चीज़ को, उन वैगन्स को इसी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। काइंडली OCC को मैसेज करते वक्त ये ज़रूर चेक करें कि आपके पास जो वैगन शो कर रहा है फॉइस से, जो FMM की तरफ से जो फॉइस को वैगन कंसिस्ट दी गई है, वो सारे वैगन प्योर वैगन मास्टर में है या नहीं है। और अगर प्योर वैगन मास्टर में वो सारे वैगन है तो उन वैगन को जिस लोकेशन पे शो कर रहा है वहाँ से कटआउट करा के अपने लोकेशन पे कट इन करना है, जो फॉइस की कंसिस्ट है उससे उन वैगन को डिटैच करके इन प्रॉपर वैगन को, FMM वाली कंसिस्ट को, BPC वाली कंसिस्ट को, वैगन एज पर BPC कंसिस्ट जो वैगन है उनको अटैच करना है, तभी आपका NMZ का रेक डिपार्चर हो पाएगा। BPC, अब आपकी BPC सेम एज पर ओल्ड जो हमारा पैटर्न था IR के वैगन, प्राइवेट वैगन एंड रेल आर्मी वैगन्स का वाला, उन्हीं के थ्रू रेक को प्लेस करेंगे FMM को, वो वहाँ से रिलीज करेंगे, वही BPC हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। हमारा फॉइस यूजर अब उसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन करने के लिए वैलिड नहीं रहेगा। सो थैंक यू, फिर भी कोई इशू आए तो आप OCC को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और मैसेज करते वक्त ये भी ध्यान रखें उसमें ऑन ड्यूटी स्टाफ अपना मोबाइल नंबर अवश्य दें, रेक ID, वैगन नंबर वगैरह इन सब का प्रॉपर ही मैसेज करें OCC को दें। थैंक यू।